गाइस फाइनली कैंप हम लोग ने सेटअप कर दिया है। लोकेशन है सोलंग वैली, कोई इशू नहीं है कैंपिंग करने में यहाँ पे। तो होपफुली क्योंकि एक वहाँ पे भी बंदा कैंपिंग कर रहा है, अपन भी यहाँ कैंपिंग ही कर रहे हैं। लाइट कर रही है अपनी यहाँ पे, दाल रेडी है इसके अंदर। बाकी यहाँ वॉशरूम नहीं मिला, चलो 100 मीटर दूर है वॉशरूम, बस थोड़ा ये बोला है गवर्नमेंट वाला, लेकिन पता नहीं व्यवस्था है उधर कुछ। अंधेरा है तो देखते हैं, मतलब साथ में जाएंगे अकेले कैसे भेजो उसको। ठंडे का यहाँ पे ठंडी है ना ज़्यादा? ज़्यादा नहीं है। अरे वहाँ से टेम्परेचर कम है, यहाँ का बहुत कम है, नॉर्मल एकदम। बाकी अभी तो अच्छा खाना मिल जाए, भूख लगी भाई बहुत तेज। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अपन बना रहे हैं खाना ऑफिशियली ऑन व्लॉग, क्योंकि किसी ने मेरे को बोला, लाइक अभी आप वीडियोस देख रहे हो, जो किसी ने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि मेरे हाथों से बनता हुआ देखना चाहते हैं खाना, तो मैं बना रहा हूँ। दाल तड़का कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो बाकी सब तो नॉर्मली क्रिस्पी हो जाएगा, जब ये ब्राउन हो जाएगा तब उसमें अपन प्याज डालेंगे। किसी ने मेरे को बोला एक्चुअली कि कुकिंग करके दिखाओ कि कैसे कर रहे हो तुम वहाँ पे, इसलिए मैं इसका व्लॉग बना रहा हूँ छोटा सा, ताकि आपको समझ में आए कि मैं भी कभी कभी कुकिंग कर सकता हूँ। कोई दिक्कत दिख रहा है। सो आई कैन लिटरली कुक, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ और वहाँ पे मैंने तकरीबन एक साल जब भूख लगती थी, वैसे नॉर्मली बाहर ही खाता था मैं, बट जब घर का खाना मिस करता था मैं, तो मैं मम्मा से फ़ोन पे बात करके पूछ के एक चीज़ कैसे बनाना है मैंने वो सीखा एक्चुअली। तो भाई फाइनली दाल रेडी है, एक बार दिखा दो कलर क्या कैसा है इसका। अब सब बैठ के मिल बाटे खाएंगे, फिर बाकी बताता हूँ बाकी बातें। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 8:30 इन द मॉर्निंग। मैं हूँ इस वक्त सोलंग वैली में। जैसा कि कल रात आपने देखा कि हम लोग रात में ढूंढते रहे, जगह बदलते रहे, पर कहीं मिल नहीं रहा था लोकेशन हम लोग को। फिर हम लोग इंटरनेट गूगल पे सर्च किया कि मनाली में नियरेस्ट कैंप लोकेशन कौन सी है, तो सेकंड जो उसमें सजेशन था सोलंग वैली का, वो मनाली से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था और हम लोग वहाँ पर आए। और सब लोग ने सिर्फ एक चीज़ बताई कि सोलंग वैली में एक ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड लंबा सा, वहाँ पे आप शायद कैंप कर सकते हो। तो यहाँ जब रात में आया तो पूरा ये सुनसान था, तो किसी ने बताया मुझे कि इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर कैंप करना इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे एक कैंटीन वाले भी है, उन्होंने मेरे को बताया कि इसके बाहर आप चाहो तो कैंप कर सकते हो। जैसा कि इसके पहले आपने देखा होगा, इसके पहले अमेजोन बेसिक्स का लगाया था मैंने, हम लोग इसमें 4 लोग आ सकते थे, 3 लोग की साइज का टेंट था। इसमें थोड़ा सा एरिया भी है शूज़ वगैरह रखने के लिए, ताकि जब आपका पानी वानी आए और उसमें गीला ना हो, यहाँ से निकल जाए और आप वहाँ चीज़ें रखी रहें। फिर इसके अंदर आपका मेन एरिया है उसका सोने के लिए। लोकेशन आपको ऊपर दिखा दूँ, सोलंग वैली से ये जो नज़ारा है वो, वहाँ पे स्नो गाड़ी पूरा पैक करके चलते हैं आगे। आज लेट नहीं करेंगे आज हर हालत में, क्योंकि ये तीसरी बार ही लेट हुआ था, फोर्थ टाइम। आज हर हालत में जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ते हैं और होपफुली इस बार उजाले में टेंट लगाएंगे और अमेजोन बेसिक्स आपको दिखाएंगे कैसे टेंट लगा रहे हैं हम लोग। आगे जाते हैं जल्दी से, फ्रेश हो गए, कुछ ब्रेकफास्ट करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो सी यू आउट देयर। इस पहाड़ के बेस मिल जाते डाउन साइड। अच्छा, वहाँ पर अंजनी महादेव का टेंपल है, वाटरफॉल है, रिवर है। अच्छा, 1200 रुपए। तो आप खुद लेके जाते हो, किसी को ड्राइव करने देते हो? नहीं नहीं, ऑपरेटर है ना सर साथ में, दो लोग जाते हैं इसमें बैठ के। अच्छा, मतलब हम लोग ऑपरेट नहीं करते, आप ही लोग करते हो इसको? अगर आप निचलाना होगा तो यहाँ आगे ग्राउंड है ना जी, वहाँ दे देते थोड़ा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो है 1200 रुपए। हाँ जी, ऊपर से नीचे आने का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सोलंग वैली में हूँ इस वक्त, और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं। मेनली ये ग्राउंड इसलिए फेमस है, यहाँ पे अलग अलग तरीके स्पोर्ट्स एडवेंचर होते हैं। तो वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं।
हम लोग वापस गाड़ी पैक करके जाएंगे आगे की तरफ स्पीति साइड, अटल टनल देखने मिलेगा आज। और आज हम लोग फ्रेश हो गए हैं पूरी तरीके से, बैटरीज, ड्रोन बैटरीज, दो बैटरीज चार्ज हो गई हैं, तो फ्री थोड़ी बहुत ड्रोन शॉट उससे लेंगे। यहाँ मैं वेस्ट नहीं करूँगा ड्रोन अपना बैटरी, क्योंकि चार्ज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए मैं उसको सेव कर रहा हूँ ताकि मैं स्पीति में उसको ड्रोन को फ्लाई कर सकूँ। तो या दैट्स इट, तो अभी सब पैक करके निकलते हैं स्पीति साइड। ऑलमोस्ट लाइक यहाँ से वैली जैसा लुक आ रहा है, और स्पीति में तो भाई रिकॉर्ड तोड़, मतलब मज़ा ही आना है अपन को। तो बस स्पीति की तरफ ड्राइव कर रहे हैं अपन, मास्क लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई वहाँ पे अभी नया नया है ना, ऑफकोर्स वहाँ चेकिंग होगी, होनी चाहिए जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि न्यूज़ में भी आजकल बहुत चल रहा है अभी फिलहाल उसके बारे में, रूट वगैरह यहाँ पे। ड्राइवर के पास यूनिफॉर्म क्यों नहीं, मतलब कुछ ना कुछ बना देना है। बता भी रहे हैं कि एट दी एंड हजारों लोग बिना यूनिफॉर्म के घूमते हैं, इसके बाद ऐसे मैं तो नहीं दूंगा, आम स्टूडेंट ओके तुम इतने की तो दारू पी जाओ कर ये और वो, भले ही कोई ना पीता हो ज़बरदस्ती है तो मैं नहीं दे पाऊँगा, मैंने मना कर दिया सीधा, मैं नहीं दूंगा। अटल टनल फाइनली वी आर गोइंग थ्रू इट, और बहुत अमेजिंग फील है, लिटरली बहुत अमेजिंग, इतना हाईटेक बना ये, आई शो यू। बाकी इसको अगर इस टनल की बात करें तो तकरीबन 10 साल से इसमें काम कर रहे थे लोग, और जो रोहतांग पास था, रोहतांग से इतना कन्वीनियंट कर दिया क्योंकि वहाँ से बहुत टाइम लगता था लोगों को ट्रैवल करने में। अब इस लाइक किसी को अगर जाना है इस साइड से उस साइड, तो इस लाइक कभी भी उठ के चले जाए और एक घंटे के उस तरफ, एक घंटे उस तरफ, इसके पहले वहीं जाने के लिए लगभग लोगों को 10-12 घंटे ड्राइव करना पड़ता था, कोई भी चीज़ किसी को लेने या कुछ भी करने के लिए बहुत लंबा चक्कर था। बट ये बनने के बाद लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंस है, हवा भी अच्छी आ रही है, और इतना एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट टनल है, और स्पीड का इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रखा है 40 या फिर 60 हर एक सिग्नल के बाद, ये बता रहे हैं कि 40 मेंटेन रखो, 60 मेंटेन रखो, शायद ये ट्रैफिक देख रहे हैं, जितना ट्रैफिक है उसके हिसाब से ये अलाउ कर रहे हैं आगे जाने के लिए। बाकी टनल इज लिटरली अमेजिंग, फोटोज़ के लिए मना कर रखा है इन लोगों ने, पर मैंने अभी कुछ एक हफ्ते पहले वीडियो देखी थी, सब लोग प्रॉपरली DSLR से रिकॉर्ड कर रहे थे सारा कुछ, ऑफकोर्स इतना तो मेरा ही बनता है यार कि जब पूरी तरीके से बंद हो उसके पहले एटलीस्ट मैं तो बना लूँ, क्योंकि आज सिर्फ इसीलिए स्पेशली इसीलिए आना हुआ था। तो अभी भी चलते जा रहे हैं, 2 हो गए टनल में चलते हुए, तो भाई ठंड बढ़ती जा रही है यहाँ पे, जैसे सनसेट हुआ है ना, कितना टाइम हो गया बनाते हुए, 15 में रेडी हो जाएगी क्योंकि ये फ्राई मैगी खा रहे हैं। एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ, 2 में मैगी कभी नहीं बनती, कभी नहीं, ट्रिप में चार्ज को इतना परेशान हुआ है, मतलब जितना कोई नहीं हुआ।